आइए ललन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है ललन टॉप ऐप पर। जो कांग्रेस बूढ़ी हो गई वेंटिलेटर पर है उस कांग्रेस से क्या वो किसी को समर्थन देगी और क्या कोई उससे समर्थन लेगा। सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। अगर आम आदमी पार्टी 8 दिसंबर को गुजरात में सरकार बनाएगी तो क्या अगर कांग्रेस की 5 से ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो क्या कांग्रेस के साथ सरकार बना सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए आम आदमी पार्टी किसी के सहारे पे सरकार नहीं बनाती। आम आदमी पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी। जो कांग्रेस 27 साल भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकी, जिस कांग्रेस की 5 सीटें भी नहीं आ रही हैं, जो कांग्रेस हाशिए पर है, जो कांग्रेस बूढ़ी हो गई वेंटिलेटर पर है, उस कांग्रेस से क्या वो किसी को समर्थन देगी और क्या कोई उससे समर्थन लेगा। सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। डिसाइसिव मैंडेट गुजरात की जनता देगी और क्यों ना दे। मैं महज 33 साल का हूं। मैं अपनी एज ग्रुप के लोगों से बात करता हूं, कोई 32 साल का, 33, 35, 25, 20, 28, 27, 30 साल के युवाओं से। उन्होंने जब से होश संभाला या जब से पैदा हुए उन्होंने एक ही पार्टी की सरकार गुजरात में देखी, क्योंकि गुजरात में तो 27 सालों से बीजेपी की सरकार है। वो बोर हो गए, ऊप गए, परेशान हो गए, बदलाव चाहते हैं। आप अगर 27 साल एक रंग की शर्ट भी पहनेंगे ना तो उस रंग से और उस शर्ट से भी बोर हो जाएंगे। या तो 27 साल से एक ही पार्टी की सरकार है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज गुजरात में परिवर्तन का मतलब अरविंद केजरीवाल बन चुका है। परिवर्तन इज सिनोनिमस विद केजरीवाल। चलिए बस एक आखिरी सवाल पूछूंगी और थोड़ा राजनीति को परे करते हैं, क्योंकि ये अब ना जैसे जब हमारा सेशन शुरू होने वाला था तो अंजना हम बस बाहर खड़े हुए थे और हम बात कर रहे थे गुजराती खाने की। आपसे पूछेंगे क्योंकि आप तो पंजाब से आए हैं, पंजाबी थाली या गुजराती थाली? अब इसमें डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल आंसर मत दीजिएगा, ये बताइएगा। नहीं, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है और मैं गुजराती खाने का बहुत शौकीन हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं। मैं जब पहले भी गुजरात आता था तो गुजराती थाली बहुत मीठी दाल और उनकी गुजराती खिचड़ी, ढोकला, बहुत ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो फिर गुजराती थाली पंजाबी खाने से बेटर लगता है आपको? बेहतर? ऐसे मेरे से आप विवादित सवाल मत पूछिए। देखिए ये क्या बात हुई, मतलब किसी चीज पे तो कमिट करेंगे ना आप, थाली पे आप कमिट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मुझे गुजराती थाली बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद, उतना ही पसंद है जितने छोले भटूरे पसंद है। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात यह है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम ललन टॉप हस्तियां आ रही ललन टॉप अड्डे में, आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए और हम ललन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है। वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी ललन टॉप ऐप, फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।